the ticket counter now. Good morning, guys. Yeah, we're in railway. We're in metro station actually, heading towards international airport. सुबह के कितने बजे अभी? 7:30 है ना, इसीलिए खाली खाली दिख रहा है. मेरे एक फ्रेंड का पासपोर्ट नहीं आया तो हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं. बट रियली हैप्पी. यहाँ का मेट्रो स्टेशन कितना अच्छा है. मेट्रो से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं. मेट्रो स्टेशन से सीधा आप यहाँ पे पहुँचोगे, लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर पे ही रहता है, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं. ये जो बड़ा टर्मिनल आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ही जाएगा एंड यहाँ पे वहाँ तक है. देखो वो टर्मिनल इतना लंबा था, बाप रे, बहुत लंबा वॉक किया. एंड मेरे फ्रेंड्स सब आई डोंट नो वीडियो ले सकते कि नहीं पुलिस के पास, आई मीन वहाँ पे चेकिंग हो रहा है सिक्योरिटी के पास. मेरा चेक इन हो गया है वैसे. अब हम अपना ये बैगेज है, अब अपना इस बैगेज को पहले चेक इन कर दे, उसके बाद अपने आप को कर दे. हमने अपना वेब चेक इन करवा लिया था, लेकिन अगर आप चेक इन करवा लिया था ऑनलाइन, लेकिन अगर आप नहीं करवाते आप यहाँ पर आके करवा सकते एयरपोर्ट में, यहाँ पर ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो. सेल्फ चेक इन सर्विस. Done. कैसा है? तो हिल भी नहीं पा रही मैं, डर के मारे हाथ से ले लिया मैंने तो. क्या क्या हो गया हमारा? एक्चुअली सब हो गया, बैगेज भी दे दिया हमारा, अपना भी हो गया. इमिग्रेशन बस एक्स्ट्रा था इंटरनेशनल के लिए. मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम लगेगा, बट ये बहुत जल्दी हो गया. आई थिंक रश नहीं हो, बिकॉज मे बी इट इज़ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, तो इसीलिए हो सकता है. पहला इंटरनेशनल फ्लाइट, वो भी फ्लाइट डिले है. फ्लाइट डिले है, उन्होंने तो बोला है फ्लाइट डिले किया मैंने. मुझे हमेशा 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 फ्लाइट में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड. नैना तुमने कुछ नहीं पहना, तुम्हें बहुत ठंड लगने वाली है, आई स्वेयर. मैंने तो इवन ऊपर का भी ये ऑफ करके रखा है मेरा. Oh my god.
रुको यहीं पे आ जाएगा बाबा। Which one? This is mine. मुझे ना सिंगापुर अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, मैंने इतना धुंधला दिख रहा है, पता है मुझे। मेरा सारा लेंस बैक के अंदर है, आई मीन लेंस सॉल्यूशन। तुमने क्या निकाला है? ऐसे जहाज बड़ी करोगे तो नहीं मिलेगा। इसी के लिए इतना पूरा खोल खाल के नहीं है। वैसे बॉडी में जान आ गई लग रहा है मुझे, अब सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। इतनी गर्मी है मुझे तो बाहर। सिंगापुर डॉलर 10 शो मी दादर वन 50 कॉइन मुझे भी दे दो एंड ही गिव मी आल्सो रूम में जाके ले लेंगे। पीछे आपको बहुत जंगल टाइप दिख रहा था, बट ये जंगल नहीं है, ये एयरपोर्ट के अंदर है। ये सारा जो गेम एक्टिविटीज है ना, शायद लेवल 5 में है ना। इन्हें थोड़ा पूछना किसी को प्लीज, क्या पूछो, कैनोपी पार्क वगैरह वगैरह। हम लोग अभी दो जगह पे जा रहे हैं, एक मिरर मेज और एक हेज मेज करके, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट के अंदर ही गेम है। हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी मिला, कुछ मिला ऑफर मिला। और उसने बोला ना, उसने मुझे बोला इतना डॉलर। मैं ना रुको, मैं बोल रही हूँ एक सेकंड मैं फटाफट से कैलकुलेट करती हूँ कितना इंडियन मनी मिला। तो हमें
मतलब ये कैसा रहता है पता है, ये ऐसा ऐसा मैंने ये हैरी पॉटर में देखा था नैना, मतलब ऐसा जाते रहते हैं, हमें इसका एग्जिट ढूंढना होता है। नैना तुम कहीं और जाओ, जाओ मैं तुमको ढूंढती हूँ। ये पूरा ऐसा ही जाएगा, ये ऐसा करके आओगे तो यहाँ पे ये क्लोज है, देखो यहाँ पे जगह नहीं है, देन वी हैव टू मूव। आई थिंक मुझे एग्जिट मिल गया। अरे नहीं, ये भी ब्लॉक है, ये नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं है, पानी था। ये क्या टाइम अभी क्यों नहीं निकल रहा है? चलो चलो चलो। वाओ, फ्लावर्स प्लीज डोंट गो। वो टाइमिंग के हिसाब से निकलते हैं शायद। ये गेट मैंने अभी भी खोला था। चलो चलो। फ्लावर्स आयुष्या, तुम सही रास्ते पे जा रही हो। ये फाइनली वी आर आउट। कला इतना सुंदर है यार, देख पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइफ में एक बार तो इस एयरपोर्ट पे आना चाहिए। सही बोला, लाइफ में एक बार तो इस एयरपोर्ट में आना ही चाहिए। यहाँ एंट्री लिखा हुआ है। चलो ओके। ओके बताया जाए नैना, ये क्या है? कैनोपी पार्क है। और पता ही है हमें ना कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। ओह माय गॉड, नैना स्टार्ट भी हो गई बैठना।